जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प से नारी, युवा, किसान और गरीब इन तमाम वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल और पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ। युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान, जम्मू कश्मीर ने रचा कीर्तिमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में सशक्त युवा, समृद्ध जम्मू कश्मीर की अवधारणा आज साकार हो रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लगभग 3 लाख और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 85,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मिशन यूथ, तेजस्विनी, पीएम स्वनिधि, एकीकृत डेयरी विकास और आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के केंद्रीय पैकेज को मंजूरी दी है। साल 2019 के बाद से उद्योग के क्षेत्र में 1.17 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जहां कुछ साल पहले पर्यटकों की संख्या मात्र 1.60 करोड़ थी, अब ये संख्या बढ़कर 2.10 करोड़ को पार कर चुकी है। पर्यटन में इस उछाल ने न सिर्फ स्थानीय व्यवसायों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। योग्यता से रोजगार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में MBBS, नर्सिंग आदि में सीटें 1,700 से बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई हैं। उच्च शिक्षा में विस्तार करते हुए 16,500 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। शाम ढलते ही जिंदगी जहां थम जाया करती थी, उसी जम्मू कश्मीर में अब ये एक नई सुबह का आगाज है। जम्मू कश्मीर को समृद्ध बनाने की ये यात्रा निरंतर जारी है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 84 योजनाओं का अनावरण और लोकार्पण किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कम्पेटिटिवनेस इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रोजेक्ट JKCIP के शुभारंभ के साथ एक परिवर्तनकारी और ऐतिहासिक पहल का आगाज होने जा रहा है। 1,800 करोड़ के निवेश के साथ इस परियोजना के तहत 3 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। 2,700 यूथ क्लब्स, 800 बेड बकरी यूनिट्स और 22 मिल्क कलेक्शन यूनिट्स भी बनाए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर से लेकर कृषि के बहुआयामी स्तरों पे विकास कार्य किए जाने की योजना है, जिससे 35,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और साथ ही जरूरतमंद संविधायों की मदद के लिए 22 करोड़ की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें MA स्टेडियम जम्मू और श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम के अलावा 17 बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल भी शामिल हैं। इसके अलावा 100 छोटे खेलो इंडिया केंद्रों को भी मंजूरी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए 4,500 एथलीट्स को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो विभिन्न मंचों पर पदक हासिल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ा रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता,
हौसलों से उड़ान होती है।